हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं बटरफ्लाई इफेक्ट ये मूवी के बारे में। 2004 में ये मूवी रिलीज हुई थी एंड आईएमडीबी पे 7.7 रेटिंग्स है इसकी और शायद हिंदी में ये अवेलेबल नहीं है। मूवी लोगों को उस टाइम पे कुछ खास पसंद नहीं आई थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया ये मूवी की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई। ये मूवी का कंसेप्ट बटरफ्लाई इफेक्ट पे आधारित है। बटरफ्लाई इफेक्ट मतलब क्या? तो सिंपल शब्दों में इसका मतलब ये है कि हमारे किसी भी छोटी से छोटी हरकत का परिणाम काफी बड़ा होता है, चाहे वो जाने अनजाने में लिया हुआ फैसला हो, या फिर आज हमने क्या खाया इसके ऊपर हो, या फिर हम क्या जॉब कर रहे हैं। इन चॉइसेस के वजह से हमारा जो भविष्य रहता है या आगे आने वाला जो पल रहता है वो हमेशा बदल रहा होता है। और इन चॉइसेस के कारण सिर्फ हमारी ही नहीं, हमारे आसपास के लोगों की, फ्रेंड्स, फैमिली, इनके ऊपर भी इसका असर पड़ रहा होता है। बटरफ्लाई इफेक्ट ये एडवर्ड लॉरेन नाम के मैथमेटिशियन ने इसका आविष्कार किया था और उन्होंने अपने थ्योरी प्रूव करने के लिए एक बटरफ्लाई यानी तितली का एग्जांपल दिया था कि कैसे तितली जब अपने पंख फड़फड़ाती है तब उसकी वजह से कैसे दूसरी जगह पे आंधी आ सकती है। और यही बटरफ्लाई इफेक्ट इवन नाम के अपने मूवी के मेन कैरेक्टर को समझ आता है और वो किस तरीके से अपनी लाइफ में चेंजेस करता है पास्ट में जाके। इवन 7 साल का एक लड़का होता है जो US में रह रहा होता है अपने माँ के साथ। उसके पापा मेंटल असाइलम में होते हैं दिमागी बीमारी के कारण और ये बीमारी इनहेरिटेड होती है और उसके पापा से उसे मिली होती है और उसी के कुछ लक्षण इवन में भी होते हैं। बढ़ते हुए इवन को अपने पापा की कमी हमेशा महसूस होती और वो अपने माँ से हमेशा शिकायत करता कि उसे अपने पापा से मिलना है। इवन कई बार ऐसे कुछ हरकतें करता है जो वो करने के बाद उसे याद ही नहीं रहती, यानी उस वक्त उसे ब्लैकआउट होता था, मानो चक्कर आया हो और वो सारी बातें उस पल के लिए वो भूल जाता था, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी यादें कहीं ना कहीं रहती है। इसलिए इवन की मॉम इवन को डॉक्टर के पास लेके जाती है ये कंफर्म करने के लिए कि शायद इसे भी अपने पापा की तरह बीमारी तो नहीं है। लेकिन डॉक्टर सारे रिपोर्ट्स निकालते हैं और उसमें इस बीमारी के कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते। इवन के कुछ दोस्त भी होते हैं जैसे केली, जो कि उसके बचपन की खास दोस्त होती है। केली का भाई टॉमी, जो कि बहुत शरारती, गुस्से वाला और मारपीट करने वाला लड़का होता है, सारे बच्चे इसे डरते थे। और आखिरी होता है लेनी, जो कि काफी सेंसिटिव होता है। केली और टॉमी के माता पिता का डिवोर्स हुआ होता है और ये बच्चे अपने पिता के साथ रह रहे होते हैं। इवन को आदत होती है कि जब भी उसे ब्लैकआउट मोमेंट होता तब उसे कुछ भी याद नहीं होता, लेकिन उस हादसे तक ये कैसे पहुंचा या उसके पहले क्या हुआ था ये सारी चीजें वो अपनी जर्नल्स यानी डायरी में लिख के रखता था। इवन के साथ पहला बुरा हादसा तब होता है जब उसकी माँ उसे केली और टॉमी के पापा के घर छोड़ती है। टॉमी के पापा भी कुछ अजीब ही होते हैं। वो केली और इवन के चाइल्ड पोर्नोग्राफी का वीडियो बनाने वाले होते हैं। दरअसल टॉमी को इवन की जगह पे वीडियो में रहना था और इसी के कारण वो इवन का हेट करने लगता है। आगे केली के पापा केली और इवन को कपड़े निकालने के लिए बोलते हैं। ये बच्चे होते हैं लेकिन तभी भी उन्हें रियलाइज होता है कि कुछ तो बुरा होने वाला है, इसीलिए केली काफी रोने लगती है। इस बात का असर तीनों के माइंड पे भी काफी बुरा पड़ता है कि उनके पापा ही ऐसा कुछ बुरा काम उनसे करवा रहे हैं। इवन को ब्लैकआउट मोमेंट हो जाता है और ये बात उसके मन में कैद हो जाती है। उसका दूसरा हादसा ये होता है जब वो काफी जिद करने के बाद उसकी माँ उसे उसके पापा से मिलाने के लिए लेके जाती है मेंटल असाइलम में, लेकिन वहाँ पे उसके पापा इसको मारने की कोशिश करते हैं और इसी चक्कर में हॉस्पिटल का स्टाफ आके उसके पापा को मारते हैं और वो मर जाते हैं। तीसरा हादसा 6 साल बाद का है जब कुछ ही 14-15 साल के होते हैं। ये चारों टॉमी के घर के बेसमेंट में होते हैं सिगार फूंकते हुए। तभी टॉमी को उसके पापा ने छुपाई हुई एक डायनामाइट मिलती है और ये बच्चे काफी शरारती होते हैं और टॉमी उनको काफी फोर्स करता है कि हम कुछ मजे करते हैं आज। और ऐसे ही मजे करते करते वे लोग उस डायनामाइट को जलाते हैं और एक किसी घर के मेल बॉक्स में डालते हैं और दूर में खड़े रह के मजा देखते हैं। लेकिन तभी एक गाड़ी आती है और एक लेडी रहती है और उसके हाथ में बेबी रहता है जो उस घर की ओनर रहती है और वो मेल बॉक्स देखने जाती है और तभी काफी जोरों से ब्लास्ट होता है और तभी वो और उसकी छोटी बेबी उधर ही गुजर जाते हैं। सिंस लेनी काफी सेंसिटिव होता है ये देखने के बाद उसे काफी गिल्टी महसूस होता है क्योंकि उसी ने वो डायनामाइट मेल बॉक्स में डाला होता है और वो चारों लोग वहां से भागते हैं, वुड्स में चले जाते हैं और वहां पे लेनी फ्रोजन पड़ा होता है। उसे क्या करना है समझ ही नहीं आ रहा होता है और इवन भी वहां पे फ्रोजन हो जाता है। उसे कुछ भी याद नहीं होता। उसे लास्ट टाइम यही याद होता है कि उसने केली के कानों पे हाथ रखा था और ब्लास्ट होने वाला था और दूसरे मोमेंट पे वो देखता है चारों लोग जंगल के बीच में है और लेनी फ्रोजन पड़ा हुआ है। ब्लास्ट हुआ है या नहीं हुआ है, क्या हुआ, उसे कुछ याद नहीं रहता और वो सारी बातें उसके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती। इवन इनसे पूछने की काफी कोशिश करता है कि क्या हुआ बताओ, लेकिन इन तीनों
में से कोई भी उसको नहीं बताता। इस हादसे के बाद लेनी इन लोगों में कभी भी शामिल नहीं होता क्योंकि वो काफी सेंसिटिव रहता है, वो डरा हुआ अपने ही घर में रहता है। केली, ईवन और लेनी काफी डिप्रेस हो जाते हैं। वो लोग काफी रो रहे होते हैं इस हादसे से कि इनकी वजह से एक औरत और उसका बेबी मारा गया। लेकिन टॉमी काफी बिंदास रहता है, उसको कोई भी शर्म या गिल्ट नहीं रहती कि उसके वजह से लेनी ने वो डायनामाइट डाला और उसके कारण लोग मर गए हैं। ऐसे ही एक दिन ये तीनों यानी टॉमी, केली और ईवन मूवी के लिए गए होते हैं और तभी ईवन वहाँ पे केली को किस करता है। ये देख के टॉमी इतना ज्यादा गुस्सा होता है, वो उसे मारने के लिए आता है लेकिन लोग उसे पकड़ लेते हैं और इसी के कारण वो कुछ दिनों के बाद ईवन का डॉग जला देता है। ईवन को एज यूजुअल ब्लैकआउट हो जाता है और असल में टॉमी ने उसी के डॉग को जलाया है, ये बात उसे पता नहीं चलती। उनके साथ तभी लेनी भी होता है। ये सारे ट्रॉमा से ये बच्चे गुजरते हैं और काफी गहरा असर उन पे होता है और इसी के कारण ईवन की माँ डिसाइड करती है और ये लोग कहीं पे और मूव हो जाते हैं। जाते जाते ईवन केली को एक नोट दिखाता है कि वो उसके लिए वापस आएगा। और फिर हम आते हैं 7 साल बाद। ईवन कॉलेज में होता है और पिछले 7 साल में उसे एक बार भी ब्लैकआउट नहीं हुआ होता। वो काफी हेल्दी और अच्छी लाइफ जी रहा होता है। हॉस्टल में अपने क्लासमेट के साथ वो वहाँ पे रह रहा होता है। एक दिन वो एक लड़की को डेट पे लाता है और अपने रूम में लेके आता है। उस लड़की के हाथ ये सारी डायरीज लगते हैं और वो ईवन को इसी में से कुछ पढ़ने के लिए बोलती है। ईवन वो डायरी पढ़ने लगता है और वो डॉगी के इंसिडेंट में चला जाता है। फिर वो निकल जाता है वहाँ से और लेनी से जाके मिलता है। लेनी बेचारा उस ट्रॉमा के कारण काफी डिस्टर्ब हुआ होता है। अभी जब वो बड़ा हुआ रहता है तभी भी वो अकेला और डिप्रेस ही होता है। ईवन उसे पूछने की कोशिश करता है कि उस दिन बैकयार्ड में असल में क्या हुआ था और हम तीनों क्यों रो रहे थे, टॉमी ने ऐसा क्या किया, लेकिन उसे उसका जवाब नहीं मिलता। फिर उसी दिन वो जाके मिलता है केली से जो कि अभी काफी बुरी हालत में होती है और एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम कर रही होती है। इतने वक्त के बाद वो उसे मिलता है और सीधा जाके उसे वही पूछता है उसी इंसिडेंट के बारे में कि उस दिन जब हम छोटे थे तुम्हारे पापा जो वीडियो निकाल रहे थे तो उस दिन क्या हुआ था, मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये सुनते ही केली काफी डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब आखिरकार ये इतने सालों के बाद मिल रहा है और आके वही चीज पूछ रहा है, वही यादें कुरेद रहा है जो केली को नहीं सुननी होती। ये सुन के केली काफी रोने लगती है कि उन दोनों का बचपन में एक स्वीट रिलेशन था और तुम इतने सालों के बाद मुझसे आके मिल रहे हो, इतने सालों में एक भी फोन नहीं किया और आते ही तुम वो बात पूछ रहे हो जो उसे भुलाना चाहती है। और वो वही से रोते रोते चली जाती है लेकिन उस रात वो इतनी डिप्रेस हो जाती है कि वो सुसाइड कर लेती है। और यहाँ पे इसके हॉस्टल में टॉमी का कॉल आता है उसे कि वो अभी उसके लिए आ रहा है क्योंकि उसी के कारण उसकी बहन ने सुसाइड किया। ये सुनते ही ईवन को काफी बुरा लगता है। वो उसकी फ्यूनरल में जाता है और वो जो नोट रहता है कि मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा वो उसके फ्यूनरल में डाल के वापस अपने रूम में चला आता है और डायरी पढ़ने लगता है। दोस्तों ये जर्नल्स पढ़ते पढ़ते ईवन में एक एबिलिटी आ जाती है, एक पावर आ जाती है जिससे जब भी उसे ब्लैकआउट हुआ था बचपन में वो उस वक्त में वापस जा सकता है और अपने पास्ट को सही कर सकता है या बदल सकता है जिसके कारण उसका और उसके दोस्तों का आज का फ्यूचर अच्छा हो सकता है। वो उस इंसिडेंट की डायरी पढ़ने लगता है जहाँ पे केली के पापा उन दोनों का वीडियो बना रहे थे। वो फिर उस वक्त में पास्ट में चला जाता है और केली के पापा को काफी सुनाता है और कहता है कि तुम्हारी बेटी एक अच्छी लड़की है और उसे अच्छी तरह ट्रीट करो, अगर तुम ऐसे उसे ट्रीट करते रहे तो आगे जाके वो इवेंचुअली सुसाइड कर लेगी और काफी कम वक्त में ही गुजर जाएगी और आगे जाके उसे कभी भी छूना मत और टॉमी को डिसिप्लिन करो क्योंकि वो काफी शैतानी बच्चा है। ईवन का ये गुस्से वाला रूप देखकर केली के फादर डर जाते हैं और उसकी बात मानते हैं। नेक्स्ट मोमेंट पे ईवन जब नींद से उठता है तब वो अलग ही रूम में होता है। उठने के बाद सारा पास्ट उसके सामने से गुजरता है कि कैसे केली का बचपन अच्छे से गुजरा, दोनों कैसे अच्छे से फ्रेंड बने और आज भी वो दोनों कपल है। और तभी पता चलता है कि वो केली के रूम में होता है और दोनों कपल होते हैं और इस दुनिया में वो काफी मशहूर और अमीर लड़का रहता है। उसे अपने पुराने लाइफ का वो रूममेट भी दिखता है लेकिन वो उसे पहचानता ही नहीं है। कुछ दिन के बाद ईवन केली को प्रपोज करता है लेकिन ये बात टॉमी को पसंद नहीं आती और वो ईवन के गाड़ी का ग्लास तोड़ देता है। टॉमी उसका काफी हेट करता रहता है क्योंकि ये काफी फेमस हुआ रहता है और उसी दूसरी जगह पे टॉमी काफी नाकामयाब रहता है और उसके पापा हमेशा उसे ईवन का ही एग्जाम्पल देते, इसीलिए वो उसे काफी जलता रहता है। ईवन टॉमी को मारने के लिए जा रहा होता है लेकिन तभी केली उसे समझाती है कि तुम्हारे कहने की वजह से पापा ने मुझे कभी भी बुरी तरीके से छुआ नहीं, वो काफी अच्छे से मुझसे बिहेव कर रहे थे लेकिन वो टॉमी के साथ काफी स्ट्रिक्ट हो गए थे और इसीलिए टॉमी आज ऐसा है। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने पूरा पास्ट चेंज कर दिया है और
उसके पापा केली के साथ तो अच्छा बिहेव करते हैं लेकिन टॉमी के साथ उतने ही स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे टॉमी आ जाता है और ईवन और टॉमी की काफी लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी लड़ाई में ईवन टॉमी को मार देता है और फिर पुलिस आके ईवन को जेल में लेके जाती है। सो दोस्तों यही बटरफ्लाई इफेक्ट है, वो पास्ट में जाके केली के पापा को सही बिहेव करने के लिए बोलता है और उसी के कारण केली का जीवन तो अच्छा हो जाता है लेकिन इवेंचुअली टॉमी मर जाता है और उसे खुद को जेल हो जाती है। यानी उसके कॉन्सिक्वेंसेस या परिणाम जरूरी नहीं है अपने ही हित में हो। जब वो जेल में जाता है तभी अपने माँ को जर्नल्स लाने के लिए बोलता है लेकिन उसकी माँ सिर्फ दो ही जर्नल्स लेके आ सकती थी और वही वो पढ़ने लगता है और वो उस इंसिडेंट को पढ़ता है जहाँ पे टॉमी उसका डॉग जला रहा होता है। अपने डॉगी को बचाने से पहले वो लेनी को हाथ में कांच का टुकड़ा देता है और कहता है कि तुम उस पे भरोसा करो, मुझे पता है तुम बहुत गिल्टी हो उस डायनामाइट के इंसिडेंट के कारण, लेकिन आज मैं जब तुम्हें बोलूं तब तुम एक बैग की रस्सी काटना। वो असल में अपने डॉग के बैग की रस्सी काटने के लिए बोल रहा होता है और फिर तीनों भी भागते हुए डॉगी को बचाने के लिए जाते हैं जहाँ पे टॉमी भी होता है। टॉमी इन लोगों पे काफी भारी पड़ता है, वो इनफैक्ट केली और ईवन को ही मारता है काफी, और जब वो डॉगी को जलाने ही वाला होता है लेकिन तभी ईवन उसे समझाने लगता है कि तुम जैसे चाहते हो मैं वैसा ही करूंगा, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी बहन को डेट करूं तो मैं कभी भी उससे बात नहीं करूंगा, लेकिन तुम एक अच्छे लड़के हो सो प्लीज ऐसे डॉगी को मत मार डालो। ये सारी बातें सुनते ही टॉमी का गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो डॉग को छोड़ देता है, फ्री कर देता है। लेकिन तभी पीछे से लेनी आ जाता है और वो उसी ट्रॉमा में रहता है और वो टॉमी को ही मार डालता है। केली जो अभी तक बेहोश पड़ी थी वो चीखते हुए उठती है और हम देखते हैं कि उसके गाल पे काफी गहरी चोट आई होती है जो कि टॉमी ने ही उसे मारा होता है और लेनी टॉमी को मारने के बाद वहीं पे डिप्रेस्ड बैठा रहता है। ये हिस्सा वहीं पे खत्म हो जाता है और फिर यहाँ अब इस लाइफ में ईवन अपने नींद से उठ जाता है और फिर इस लाइफ में क्या हुआ ये सारी बातें उसके सामने से गुजर जाती है। वो देखता है कि टॉमी बचपन में ही मर गया था और केली के गाल पे एक निशान है। 15 साल में वो घर छोड़ के चली जाती है और बुरे लोगों के संगत में आती है। ये नींद से उठने के बाद मेंटल हॉस्पिटल में जाता है किसी कारण से और तभी वहाँ पे उसे लेनी दिखता है जो कि पूरी तरीके से पागल हुआ होता है। वो लेनी से मिलता है लेकिन तभी लेनी उसे देख के उसे गुस्से में बोलता है कि मुझे तुम पे उस दिन भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, तुमने कहा और इसीलिए मैंने टॉमी को मार डाला, तुम्हारे वजह से मैं आज इधर हूँ। ये सुनते ही उसे पता चलता है कि उसने जो स्टेटमेंट बोला था कि सही वक्त आने पर तुम एक बैग को काटना इस कांच से, तो इसी के कारण लेनी टॉमी को गलती से मार देता है और फिर आज ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस उसके हुए हैं, यानी ये परिणाम हुए। आगे ईवन को भी ये बात याद आती है कि उसके पिताजी को भी ये बीमारी थी और वो हॉस्पिटल में थे। उस दिन ईवन एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर अपने जर्नल्स पढ़ने लगता है। इस बार वो उस इंसिडेंट को पढ़ता है जहाँ पे बचपन में वो अपने पिता से मिलने गया था और पिता ने उसे मारने की कोशिश की थी। दोस्तों अभी हम ये जानेंगे कि ईवन के पिताजी ने उसे क्यों मारना चाहा। ईवन के पिताजी के पास भी वही पास्ट में जाने की शक्ति होती है, ये पावर उन्हें उनके पिता से मिली होती है और अब उनसे ईवन को भी ये पावर मिली होती है। ईवन के पिताजी ने भी शायद कई बार फ्यूचर बदलने की कोशिश की थी और एक परफेक्ट फ्यूचर बनाना चाहते थे लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके, इसीलिए निराश होकर अभी वो पागल खाने में भर्ती हो गए थे। ईवन वही इंसिडेंट पढ़ता है और वो बचपन में उस वक्त में पहुंच जाता है। वहां वो अपने पिता से इन पावर्स के बारे में बात करता है और वो इन सभी चीजों को और इन घटनाओं को कैसे ठीक कर सके और अपनी जिंदगी कैसे अच्छी करे ये पूछता है। ये सुनकर उसके पिता को पता चल जाता है कि इसमें भी वो पावर आई है। ईवन के पिताजी उसे बताते हैं कि वो सारी चीजें अच्छा नहीं कर सकता, पास्ट में जाके चीजें बदल सकता है लेकिन भविष्य में उसका इम्पैक्ट क्या होगा, बदलाव क्या होगा, वो उसके हाथ में नहीं है। आगे वो बताते हैं कि बार बार पास्ट बदलना भी बहुत खतरनाक हो सकता है, इससे कई जिंदगियां खराब हो सकती है और दोस्तों इसीलिए वो शक्ति वो खुद के साथ ही खत्म कर देना चाहते थे, इसीलिए वो पागल खाने थे ताकि उन्हें पास्ट में जाने का चांस ना मिले और जब वो मरे तब ये सारी पावर्स उनके साथ ही खत्म हो। लेकिन अब बहुत देर हो गई रहती है और ये पावर्स ईवन के पास भी होती है और उसने कई बार पास्ट चेंज किया है। वो ईवन को समझाने की कोशिश करते हैं ताकि वो पास्ट चेंज ना करे लेकिन ईवन नहीं मानता, उसे सारी चीजें अच्छी बनानी होती है फिर से। पिताजी समझ जाते हैं कि ईवन आगे जाके बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है और इसीलिए वो ईवन को भी मारने का फैसला करते हैं और ईवन पे वो हमला कर देते हैं, लेकिन तब तक हॉस्पिटल का स्टाफ आके उन्हें ही मार डालता है। सो दोस्तों
दोस्तों इससे एक और बात सामने आती है कि बचपन में जितनी बार भी छोटे इवन को ब्लैकआउट होता था यानी उसे वो चीजें याद नहीं रहती थी, तब असल में फ्यूचर वाला इवन पास्ट में आके पास्ट चेंज करने की कोशिश करता था। इसीलिए बचपन वाले इवन को कोई भी चीज याद नहीं रहती थी। आगे वो उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पे पिछले लाइफ में केली वेट्रेस रहती है, लेकिन वहाँ वो नहीं रहती। आगे उसे पता चलता है कि वो एक प्रोस्टिट्यूट बनी है और काफी बुरी कंडीशन में है। और फिर इसी लाइफ के अकॉर्डिंग वो अपने हॉस्टल में चला जाता है और वापस जर्नल्स पढ़ने लगता है। इस बार वो तब उसी मोमेंट पे वो पहुंच जाता है जब डायनामाइट ब्लास्ट होने वाला रहता है, और वो भागते हुए उस लेडी और उसके बच्चे के पास चला जाता है और कहता है कि इधर मत आओ, ये ब्लास्ट होने वाला है। इवन मेलबॉक्स के काफी नजदीक होता है और तभी ब्लास्ट हो जाता है। ये हादसा होने के बाद वो नींद से उठता है, तब लेनी उसका रूममेट होता है। उसके हाथ और पैर ब्लास्ट के कारण काफी कमजोर हुए रहते हैं, इसके लिए वो हैंडीकैप यानी अपाहिज हुआ रहता है। और उसकी पिछली लाइफ उसके पूरी आंखों के सामने गुजरती है कि उसे हमेशा व्हीलचेयर पे ही होना होता है, और केली, लेनी और इवन तीनों अच्छे दोस्त रहते हैं, लेकिन इवेंचुअली बड़े होने के बाद केली और लेनी दोनों रिलेशन में होते हैं। ये देखने पर उसे और भी दुख हो जाता है। वो मौका देखकर केली से पूछता है कि क्या तुम कभी हम दोनों के बारे में सोचती हो? वो कहती है कि हाँ, हम दोनों काफी क्यूट थे बचपन में, एक दूसरे को पसंद करते थे, और आज अगर मैं यहाँ हूँ तुम्हारी वजह से ही हूँ। इवन इस बात का मतलब पूछता है तो वो कहती है कि जब बचपन में उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ था तो टॉमी और केली को चॉइस दी गई थी कि उन्हें उनके माँ के साथ रहना है या पापा के साथ। उसे उसके माँ के साथ ही रहना था, लेकिन फिर भी वो अपने पापा के साथ रहने का फैसला करती है, क्योंकि अगर वो अपने माँ के साथ रहती तो तुमसे यानी इवन से कभी भी मिल नहीं पाती, जो कि बचपन में उसका खास दोस्त रहता है, और इसीलिए फिर वो अपने पापा के साथ रहने का फैसला करती है। तभी इवन को रियलाइज होता है कि हम साथ रहेंगे तो किसी ना किसी की लाइफ बर्बाद होनी ही है, हम साथ में कभी भी एक साथ खुशी खुशी चारों लोग नहीं रह सकते। और यही वो पल था जब इनकी दोस्ती स्टार्ट हुई थी और इसी के बाद चारों दोस्त एक साथ हुए थे। आगे वो अपने माँ से मिलने के लिए जाता है, तभी उसे पता चलता है कि उसके माँ को लंग कैंसर हुआ है, क्योंकि जब इवन अपाहिज हो जाता है तब उसकी माँ काफी स्ट्रेस में चली जाती है और वो काफी स्मोक करने लगती है, और इवेंचुअली आज उसे कैंसर हुआ होता है। तभी उसे एक और बात रियलाइज होती है कि वो सबको कुछ नहीं रख सकता पास्ट चेंज करके, किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ गलत होने ही वाला है। तब वो आखिरी बार अपने पास्ट चेंज करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों यहाँ से लेके आगे मूवी के दो अलग अलग एंड है, एक डायरेक्टर कट एंड है और दूसरा फिल्म का एंड जो थिएटर में रिलीज हुआ था। मैं पहले डायरेक्टर एंड की बात करूंगी क्योंकि वो ज्यादा ब्रूटल है और उसकी कुछ अच्छी एंडिंग नहीं है, और जो अच्छी एंडिंग है उसके बारे में मैं लास्ट में बात करूंगी ताकि वीडियो एक अच्छे एंडिंग के साथ क्लोज हो। तो जो डायरेक्टर एंड है वहाँ पे पहले देखते हैं, इवन अपाहिज होता है और वो अपने पास चेंज करने का फैसला करता है। वो वापस अपने कॉलेज के रूम में आता है जहाँ पे लेनी उसका रूममेट होता है। वो उससे अपनी जर्नल्स लेता है और वो उस मोमेंट पे चला जाता है जब केली और इवन की वीडियो बनाई जा रही थी। यहाँ केली के पापा को ब्लैकमेल करता है वो, और वही डायनामाइट लेता है, उनको डराता है और उसे समझा रहा होता है। लेकिन तभी केली वो डायनामाइट उसके हाथ से चुराती है और कहीं दूर पे लेके जाके उसे खेलते खेलते ब्लास्ट कर देती है। इस ब्लास्ट के कारण इवन को छोड़ के बाकी सभी तीनों लोग यानी केली, टॉमी और उसके पापा मर जाते हैं, और इसके कारण इवन को काफी शॉक लग जाता है और उसकी दिमाग की हालत और भी खराब हो जाती है, और उसे बचपन में ही हॉस्पिटल में एनरोल किया जाता है। और आज फिर इस लाइफ में वो जब उठता है तो वो काफी डरा हुआ रहता है और वो हॉस्पिटल के बेड में उठता है। पास्ट की लाइफ उसके सामने आती है कि किस तरीके से ब्लास्ट हुआ था और कैसे फिर उसके बाद उसे इसी हॉस्पिटल में रखा गया। इस हादसे के कारण वो काफी डिप्रेस हो जाता है और सोचता है कि शायद मैं ही ना रहूं इस लाइफ में तो किसी की लाइफ बर्बाद होगी ही नहीं। फिर वो अपने माँ को एक वीडियो लाने के लिए बोलता है। ये वीडियो उसके बचपन में पैदा होने के वक्त उसके पापा ने बनाई होती है। वो हॉस्पिटल के स्टाफ से भागते हुए एक केबिन में आता है और वहाँ पे वो वीडियो देखने लगता है कि कैसे उसकी माँ जब लेबर में होती है और वो हॉस्पिटल जा रही होती है, और देखते देखते वो उसी पास्ट में चला जाता है जब वो उसके मम्मी के पेट में था तब प्री बर्थ, और जब वहाँ पे वो नींद से उठता है बेबी रहता है मॉम के पेट के अंदर, और वो खुद को एम्बिलिकल कॉर्ड से बांधता है खुद के गले को और अपनी जान ले लेता है। इसके कारण वो बच्चा पैदा होने के पहले ही पेट में गुजर जाता है, और इसी तरह इवन की लाइफ वहीं पे खत्म हो जाती है। ये मूवी का एंड था डायरेक्टर कट में, जो कि रिलीज नहीं हुआ इंटरनल फिल्म
और जो लोगों के लिए रिलीज हुआ वो एंड अभी हम आगे देखेंगे, जो काइंड ऑफ हैप्पी एंड है। इवन अपने कॉलेज में होता है अपाहिज हालत में, तब वो वापस लेनी को अपनी डायरी लाने के लिए बोलता है और वो पन्ने खोलता है जहाँ पे वो पहली बार केली से मिला था। वो उस वक्त में जाके केली से मिलता है और उसे कहता है कि आई हेट यू, तुम मुझसे वापस कभी भी मत मिलना वरना मैं तुम्हें मारूंगा। ये सुनने के बाद केली रोते रोते अपने माँ की तरफ जाती है और उसकी और इवन की दोस्ती कभी होती ही नहीं है और इसी वजह से उनका जो फ्रेंड्स का ग्रुप रहता है वो भी नहीं बनता। जब वो नींद से उठता है तब लेनी वापस उसका रूममेट होता है, उसके हाथ सही सलामत होते हैं और वो वापस बैकग्राउंड में जाके सारी लाइफ उसके आंखों के सामने से गुजरती है। और तब ये बात हुई रहती है कि जब केली के पेरेंट्स का डिवोर्स होता है तब केली और टॉमी अपने माँ के साथ रहना प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे उसकी दोस्ती इवन के साथ हुई ही नहीं होती तो यहाँ पे रहने का कोई मतलब ही नहीं रहता, इसीलिए वो अपने माँ के साथ रहती है। टॉमी और केली की अपब्रिंगिंग काफी अच्छी हुई होती है, दोनों आगे जाके ग्रेजुएट होते हैं, टॉमी भी गुस्से वाला नहीं होता, काफी शरीफ इंसान बना रहता है और वो दोनों अपनी अपनी लाइफ जी रहे होते हैं। तो दूसरी जगह पे यहाँ इवन अपने हॉस्टल के रूम में होता है और उसका रूममेट लेनी होता है। उठने के बाद वो केली के बारे में पूछता है तो लेनी उसे बोलता है कि कौन केली, ऐसी कोई अपने लाइफ में है ही नहीं, यानी चारों लोग अपनी अपनी लाइफ जी रहे होते हैं अलग अलग। इवन की माँ भी काफी हेल्दी होती है। फिर ये दोनों वो जो जर्नल्स रहते हैं वो जला देते हैं और अपने अपने रास्ते में कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाते हैं, ये सब होता है इनके साथ। अब कुछ साल बाद हम देखते हैं न्यूयॉर्क सिटी में इवन अपने माँ से फोन पे बात कर रहा होता है और तभी चलते चलते रास्ते में उसे केली दिखती है, दोनों की नजर एक दूसरे से मिलती है। अब दोस्तों इस चीज की भी तीन अलग अलग एंडिंग डायरेक्टर ने की हुई है और आपको चॉइस दी है कि आपको इन तीनों में से कौन सी एंडिंग चुननी है। तो पहली एंडिंग ऐसे होती है, जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तब 2 सेकंड के लिए उनकी नजर एक दूसरे को मिलती है और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इसकी दूसरी एंडिंग ऐसी है, जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तब उनमें कुछ स्पार्क होता है, वो दोनों भी रुकते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। इवन केली के नाम से उसे पहचान जाता है और केली चौंक जाती है कि ये आदमी मेरा नाम कैसे जानता है, लेकिन दोनों फिर बातचीत करते करते कॉफी पीने जाते हैं और दोनों की काफी हैप्पी एंडिंग होती है। और तीसरी एंडिंग ऐसे है, दोनों वापस एक दूसरे को देखते हैं और केली फिर अपने रास्ते चली जाती है, लेकिन इवन यहाँ केली के पीछे पीछे चला जाता है और ऑब्वियसली दोनों मिलके आगे एक अच्छी लाइफ बिताएंगे, ऐसा उसका एंड होता है। सो दोस्तों ये 4 अलग अलग एंडिंग्स थे इस मूवी के। मेरा प्रेफरेंस तो वही है जहाँ पे हैप्पी एंडिंग हुई है, दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं उस तरीके से। सो ये मूवी थी बटरफ्लाई इफेक्ट, की किस तरीके से छोटी छोटी बातें हमारे या हमारे आसपास के लोगों की लाइफ बदल सकती है। इसीलिए हमेशा जो हम फैसला लेते हैं उस पे हमें पछतावा या रिग्रेट नहीं करना चाहिए क्योंकि एट दी एंड हमें पता नहीं है कि दूसरा रास्ता अगर चुना होता तो उसके परिणाम क्या होते, जरूरी नहीं कि वो हमेशा पॉजिटिव हो सके। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज प्लीज इसे थम्स अप दीजिए, बट बिफोर दैट प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड वो करते समय नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबाइए ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफाई हो।